हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचर लवर। मैं स्मिता अम्बेश और आज का मेरा टॉपिक है कि कोलियस से अपने गार्डन को कैसे रंग बिरंगा बनाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो कोलियस लगे हैं, देखिए कोलियस की कितनी ज़्यादा वैरायटी मैंने लगाई हुई है। आजकल इन दिनों वैसे ये फ्लावर्स की कमी हो जाती है तो गार्डन में रंग बिरंगी पत्तियों में भी अपनी खूबसूरती है। देखिए कितना सुंदर सुंदर कलर है, ये पिंक कलर है, कॉफी कलर है, देखिए शेड्स हैं, देखिए ग्रीन ग्रीन में, ये कटिंग्स में देखिएगा, ये कटिंग्स में है, कितनी सुंदर पत्तियों में जो कलर्स हैं ये देखिए कितना अच्छा है। ये हर पत्ती की कटिंग्स और शेड्स अलग हैं। देखिए ये कटिंग्स में, ये थोड़ी सी कटिंग्स है और ये देखिए बिल्कुल रेड कॉफी कलर है, ये कितना सुंदर। और ये देखिए ये वाला, देखिए इसकी, देखिए शेड धीरे धीरे बदलते रहते हैं इसके। एक इसका पिंक शेड्स है, ये देखिए पिंक और ग्रीन, ये देखिए ग्रीन कटिंग्स। और मेरे पास ये नहीं था, ये मजेंटा शेड्स में ये नहीं था, ये मैं नर्सरी से नई वैरायटी लाई थी। मैंने सोचा इसको भी मैं कटिंग से ग्रो करूँगी और फिर दिखाती हूँ, वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ। ये देखिए इसको भी मैंने कटिंग से शेप बनाया है, ये देखिए कितना अच्छा शेड्स, कितनी अच्छी लाइनिंग्स दिख रही है इसकी। तो मैं बताती हूँ इसको कटिंग से कैसे ग्रो किया जाता है। वैसे तो इसकी कटिंग्स मार्च के करीब इसमें फ्लावर्स आते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स इसके टॉप पे फ्लावर्स आते हैं, इसकी टॉप पे देखिए इसकी टॉप पे इस टाइप के फ्लावर्स आते हैं। जब ये फ्लावर्स आने लगते हैं तब इसकी ग्रोथ हो जाती है, फ्लावर में ही सारी ग्रोथ चली जाती है। तो हम इसकी टॉप में जो फ्लावर्स होते हैं उस फ्लावर्स को काट पिंच कर देते हैं ताकि इसकी सारी ग्रोथ फ्लावर में ना चली जाए, लीव्स में रहे। तो हम इसकी फ्लावर्स को काट देते हैं, फिर इसकी जो कटिंग्स होती है मार्च में करीब फ्लावर्स आते हैं इसकी कटिंग, फिर इसकी जो ऊपर की जो टॉप की कटिंग्स है मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अब देखिए मैं कौन सी कटिंग लूँ, ये इसकी यहाँ से कटिंग छोटी सी हो रहा है ना, तो इसकी मैं कटिंग्स ले लेती हूँ। इसकी कटिंग करीब से 4 से 6 इंच की कटिंग दीजिए और टॉप की सारी पत्तियों को रिमूव कर दीजिए। कर दिया, इसकी पत्तियाँ बहुत हैं। अब देखिए मैं इसकी भी कटिंग लेती हूँ, ये भी काफ़ी बिजी हो रहा है मेरा प्लांट, तो मैं इसकी कटिंग, इसको भी आप ऐसे रिमूव कर दीजिए इसकी पत्तियों को, क्योंकि रूट सॉरी डेवलप होने में नहीं हो पाती है जब पत्तियों में ज़्यादा न्यूट्रिशन चला जाता है। तो रूट्स, अभी तो हमको रूट्स डेवलप करनी है ना, इसकी कटिंग्स लगा रहे हैं हम, तो रूट्स डेवलप करनी है हमें। तो मैं बताती हूँ, कटिंग्स पहले से ही निकाल के रखी हुई है, जल्दी कटिंग्स है। अब मैं जो 4 कटिंग्स हैं उसको मैं कैसे ग्रो करते हैं, देखिए कैसे ग्रो करते हैं, अब मैं इसको दिखाती हूँ। ये 4 कटिंग्स ली हुई हैं और बहुत जल्दी इसकी, इतनी देखिए इतनी सॉफ्ट है, ये देखिए इतनी सॉफ्ट हैं, ऐसे देखिए ऐसे आप इसको तोड़ेंगे पिंच करेंगे एकदम टूट जाती है ये। कभी कभी गुड़ाई करते टाइम भी एकदम इतनी सॉफ्ट इसकी डंडियाँ हैं, सब टूट जाती है। तो बहुत ही ईजी एंड ग्रो है इस प्लांट, बहुत ही देखिए। अब मैं इसकी कैसे डेवलप करते हैं, इसको मैंने वेल ड्रेन मिट्टी ली हुई है 20-20 के रेशियो से, 20 रिवर सैंड, 20 गार्डन सॉइल और 20% लिया हुआ है मैंने, काउ डंग मिलाई है इसमें और 20% वर्मी कंपोस्ट मिलाया है 20-20 रेशियो से। ऐसा हम इसके सेल मिक्सर बनाएंगे वेल ड्रेन, ताकि इसका जो हम कटिंग लगाएं तो पानी बिल्कुल भी ना रुके और हमारे ये
उसके रूट डेवलप, तो मैं लगाती हूँ उसको किसी भी चीज़ से कोल कर लीजिए ऐसे ऐसे। ये देखिए मैंने होल किया है, मैं इसकी कटिंग को एक ही करके पानी डाल देती हूँ। अब देखिए मैंने ये मैंने कटिंग से सभी ग्रो किए हुए हैं, मैं दिखाती हूँ इसको। इसको जो चॉइन देखिए इसकी रूट्स आ गए, तो 7 डेज हो चुके हैं। देखिए इसकी रूट्स ऐसे बहुत जल्दी डेवलप होती है इसकी, ये देखिए देखिए रूट्स आ गए हैं। देखिए एक सिंगल रूट दिख रही, तो अब मैंने लगा दिया है। अब ये देखिए अब सारा बिल्कुल ड्रेनेज, बिल्कुल पानी रुक नहीं रहा है इस पॉट में। आप ऐसे लगाइए बिल्कुल वेन ड्रेन पानी हो, ताकि पौधा आपकी सड़ ना जाए, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट इसकी रूट से। तो लगा दीजिए इसको, फिर देखिए आपका गार्डन कितना रंग बिरंगी पत्तियों से खूबसूरत लगता है। तो अगर आज वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू।